नमस्कार फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का स्टडी लाइन में फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोग महात्मा गांधी से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए उनको मैंने यहाँ पे सम्मिलित किया है साथ ही महात्मा गांधी को छोड़कर जो भी और हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं उनको भी मैंने यहाँ पे सम्मिलित किया है आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा फ्रेंड्स मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे से नॉलेज देना चाहता हूँ कि कौन से घटनाएं कब घटी थी और किस समय हुई थी क्योंकि ये जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए तो इसे आप लोग जरूर अंत तक देखेगा उसके बाद ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए सबसे पहले हम लोग महात्मा गांधी से संबंधित जो ओवरऑल जो है इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को करेंगे ठीक है देखिए महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था मोहनदास करमचंद गांधी था महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ दो अक्टूबर अठारह ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था कहा हुआ था तो पोरबंदर में हुआ था पोरबंदर कहां पे है तो गुजरात में पोरबंदर है ठीक है दो अक्टूबर को ही हम लोग जयंती मनाते हैं किसकी एक तो गांधी जयंती मनाते हैं दूसरा लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाते हैं दो अक्टूबर को दो जयंती मनाते हैं एक तो गांधी जयंती और दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री की जयंती और दो अक्टूबर को ही हम लोग अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था करमचंद गांधी था माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम क्या था कस्तूरबा गांधी अब आगे देखिए क्या है आगे आता है मृत्यु महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी तो 30 जनवरी 1948 सौ ईस्वी को हुई थी और तीस जनवरी को ही हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं और इनकी हत्या कर दी गई थी जो इनकी मृत्यु हुई थी ना इनकी हत्या के द्वारा जो है इनकी मृत्यु हुई थी किसने हत्या की थी नाथुराम गोडसे ने इनकी हत्या कर दी थी महात्मा गांधी की ठीक है

अब्दुल्ला सेठ नामक जो एक व्यापारी थे भारतीय व्यापारी इन्हीं के जो मुकदमों को लेकर के ले जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका अठारह सौ तिरानवे ईस्वी में गए थे और वहां पर करीबन इक्कीस वर्ष रहे थे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को प्रथम श्रेणी के डब्बे से धक्के मारकर उतार दिया था इसका राइट आंसर होगा पीटर मारित ये जो है दक्षिण अफ्रीका का एक रेलवे स्टेशन है वहीं पर जो है महात्मा गांधी को प्रथम श्रेणी के डब्बे से धक्के मारकर उतार दिया था क्योंकि वह अश्वेत होने के कारण महात्मा गांधी जो है अश्वेत थे ठीक है है उन्हीं के कारण जो इनको उतार दिया था नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके सामने महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे तो इसका राइट आंसर होगा 9 जनवरी 1915 सौ को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और 9 जनवरी को ही हम लोग मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा देखिए दो अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं गांधी जयंती अहिंसा दिवस लेकिन जब भारत आए थे वापस महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से नौ जनवरी को तो नौ जनवरी को ही हम लोग मनाते हैं क्या प्रवासी भारतीय दिवस और इस तरह से इक्कीस वर्ष जो है रहे थे कौन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में ठीक है आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन है सत्याग्रह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ किए थे तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका में कब उन्नीस सौ छह ईस्वी में लेकिन अगर आपको यह पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ किए थे शुरू तब आपको बताना है चंपारण बिहार में किए थे ठीक है कब उन्नीस सौ सत्रह में और इसी इस तरह से जो है भारतीय राजनीति में पदार्पण हो गया था महात्मा गांधी का कहने का यह मतलब हुआ कि चंपारण सत्याग्रह से ही भारत के राजनीति में इंटर कर गए थे कौन महात्मा गांधी ठीक है देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है अगर आपसे पूछा जाए महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह किया तब आपको बताना दक्षिण अफ्रीका लेकिन आपको भारत में पूछे कि भारत में सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ किया तब आपको बताना है चंपारण में चंपारण कहाँ पे बिहार में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके सामने महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किस आंदोलन में किया था तो इसका राइट आंसर होगा अहमदाबाद आंदोलन में कब किया था तो उन्नीस सौ में क्यों किया था क्योंकि जो महात्मा गांधी थे वो अहमदाबाद के जो मिल मजदूर थे ना उनके समर्थन में ये हड़ताल किए थे ठीक है इतना आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा इनका राइट आंसर होगा वाराणसी यानी कि बनारस नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी तो 1917 में की थी लेकिन आपको लूसेंट में 1916 भी देखने को मिलता है लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा 1917 होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था तो गांधी जी ने किस कानून को कहा रोलेट एक्ट को कहा था काला कानून अच्छा ये रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था भारत में उन्नीस 19 मार्च उन्नीस को अब ये रॉलेट एक्ट क्या था आपको समझना चाहिए रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था फ्रेंड्स कि अगर किसी भी भारतीय पर अगर कोई भी थोड़ा सा भी संदेह हो जाए तो उस पर जो बिना मुकदमा चलाए बिना कुछ किए उनको गिरफ्तार किया जा सकता था ये अंग्रेजों का कानून था रॉलेट एक्ट जो कि भारतीयों पर लागू किया गया था कि अगर किसी पर भी अगर संदेह हो जाए जरा सा भी तो उस पर ना ही एफ दर्ज हुए ना ही मुकदमा चलाए उनको गिरफ्तार किया जा सकता था ठीक है ये जो है रॉलेट एक्ट था इसी के विरोध में जो है जालियावाला बाग में जाके हड़ताल भी किया गया था लेकिन वहाँ पे जलिया बाग हत्याकांड घटित हुआ था कब तेरह अप्रैल उन्नीस ईस्वी को ठीक है इसी के विरोध में जो है यानी कि रॉलेट एक्ट जो आया था उन्हीं के विरोध बिरो, विरोध में जो है ये जालियावाला बाग हत्याकांड हो गया था कब तेरह अप्रैल उन्नीस को उस समय जो है वायसराय कौन थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे ठीक है इतना आपको याद रखना भारत के वायसराय कौन थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड और जालियावाला बाग हत्याकांड कब हुआ तेरह अप्रैल उन्नीस सौ उन्नीस को कहा हुआ था अमृतसर में ठीक है अमृतसर में ही है है क्या है नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए क्या कि अंग्रेजों द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किसे किया गया था तो बिल्कुल इसका राइट आंसर महात्मा गांधी को और जब यह बाग हत्याकांड हुआ था तेरह अप्रैल उन्नीस सौ उन्नीस ईस्वी को तब जो है जालियावाला बाग हत्याकांड के दौरान जो है केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी किसने महात्मा गांधी ने ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन शुरुआत यानी कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की और कब की तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी कब की थी एक अगस्त उन्नीस 1922 ईस्वी को हुआ था और इसी के कारण जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था यानी कि इस तरह से बोला जाए तो 1920 में स्टार्ट हुआ था और 1922 तक ये जो है चला था कौन असहयोग आंदोलन ठीक है नेक्स्ट है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी केवल एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे और वो कब चुने गए थे तो 1924 ईस्वी में चुने गए थे किस अधिवेशन में तो कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में जो है इनको चुना गया था कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए ठीक है 1924 सौ में नेक्स्ट है साइमन कमीशन भारत कब आया था तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था तो उन्नीस सौ ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में और उसमें जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे कांग्रेस के अध्यक्ष ठीक है कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जवाहरलाल नेहरू थे जो उस उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी उन्नीस में लाहौर अधिवेशन में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक सत्याग्रह क्या है नमक सत्याग्रह जिनको हम लोग बोलते हैं डांडी यात्रा भी बोलते हैं नमक सत्याग्रह को ठीक है किसने और कब शुरू की थी तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह शुरू की थी और ये कब हुई थी 12 मार्च 1930 ईस्वी को और कब समाप्त हुआ था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक को मुंह में लेकर के या नमक को हाथ में लेकर के जो है इन्होंने तोड़ा था किसको आ, नमक सत्याग्रह को ठीक है और देखिए साबरमती आश्रम से जो डांडे तक की यह या, या, या यात्रा रही थी जिसमें से तीन किलोमीटर यात्रा की गई थी और 24 दिन लगे थे टोटल और उनहत्तर समर्थक थे कितना सॉरी उनासी समर्थक थे और कहीं कहीं पे आपको अठहत्तर भी देखने को मिलेगा लेकिन उनासी ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे ठीक है नेक्स्ट है नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया तो सविनय अवज्ञा आंदोलन देखिए नमक कानून को तोड़ करके ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को चालू किया गया था ठीक है है इतना आपको ध्यान में रखना कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को तोड़ करके ही जो है सॉरी नमक कानून को तोड़ करके ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाया गया था ठीक है जिस तारीख को यानी कि छह अप्रैल उन्नीस सौ तीस को नमक कानून को तोड़ा गया और उसी दिन जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ ठीक है और किसके द्वारा किया गया था गांधी जी के द्वारा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है रघुपति राघव राजा राम जो कि संगीत है वो बहुत ही प्रचलित है इनके संगीतकार कौन है तो विष्णु दिगंबर जो है इनके संगीतकार है और ये जो है डांडी मार्च के दौरान इनको जो है गाया गया था ये जो प्रसिद्ध गान है डांडी मार्च के दौरान गाया जाने वाला ये प्रसिद्ध गान है ठीक है क्योंकि डांडी मार्च के दौरान ही जो है रघुपति राघव राजा राम ये जो है गाया गया था लेकिन इसके जो संगीतकार है वो है विष्णु दिगंबर नेक्स्ट है गांधी जी किस गोल में सम्मेलन में भाग लिए थे तो इसका राइट आंसर होगा द्वितीय गोल में सम्मेलन में और द्वितीय में सम्मेलन कब हुआ था उन्नीस सौ इकतीस में देखिए टोटल जो है तीन गोलमेज सम्मेलन हुए हैं कौन कौन से यानी कि कब कब हुए हैं और कहा हुए हैं देखिए तीनों जो है लंदन में हुआ कहा हुआ है लंदन में लंदन कहाँ है ब्रिटेन की राजधानी है लंदन ठीक है इंग्लैंड की राजधानी है लंदन देखिए प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ उन्नीस में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ उन्नीस में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ उन्नीस में आपको ध्यान यह रखना है कि गांधी जी जो है द्वितीय जो है गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुआ था यानी कि उन्नीस वाले में ठीक है इतना आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन में सम्मेलन में भाग लेने वाले भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे तो इसका राइट आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जो कि तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिए थे नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन पैक्ट जिसको हम लोग दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं ये कब हुआ था तो ये जो है पांच मार्च 1931 सौ ईस्वी को हुआ था कहीं पे आपको चार मार्च भी देखने को मिलता है लेकिन पाँच मार्च आपको याद रखना है पाँच मार्च 1931 सौ ईस्वी को ये गांधी इरविन पैक्ट हुआ था या दिल्ली समझौता हुआ था ठीक है और ये स्विनय अवज्ञा आंदोलन के को स्थगित इसमें जो है किया गया था इसमें कहने की बात यानी कि जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था वो इसलिए हुआ था ताकि स्व अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाए ठीक है ये जो है स्थगित हो भी गया था ठीक है नेक्स्ट आपके सामने ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे तो महात्मा गांधी जो कि 1932 में इनकी स्थापना की थी आगे देखते हैं आगे है गांधी जी के जो है राजनीतिक गुरु कौन थे तो गोपाल कृष्ण गोखले जिसको हम लोग बोलते हैं जी के गोखले ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु रहे थे ठीक है आगे है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम जो है राष्ट्रपिता कहा था नेक्स्ट है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था तो रविंद्रनाथ रविंद्राथ देखिए राष्ट्रपिता किसने कहा तब आपको है सुभाष चंद्र बोस लेकिन महात्मा किसने कहा तब आपको बताना रविंद्रनाथ टैगोर ने ठीक है देखिए इसके आगे है कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी देखिए रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी तो महात्मा गांधी ने दी थी किसने महात्मा गांधी ने नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया तो 8 अगस्त उन्नीस सौ बयालीस ईस्वी को शुरू किया गया था किसके द्वारा महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन ठीक है नेक्स्ट है गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है करो या मरो का नारा दिया था जिस समय जो है भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स उसी समय करो और मरो का नारा दिया गया था करो या मरो का नारा दिया गया था किसके द्वारा गांधी जी के द्वारा देखिए देखिये कई बार एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है कि करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था तो आपको बताना है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रारंभ हुई थी अगस्त उन्नीस को देखिए कहीं कहीं नौ अगस्त आंदोलन आंदोलन के समय में महात्मा गांधी के साथ में अमेरिकी प्रशासक कौन थे उनका, उनका साथ किसने दिया था तो ने इनका साथ दिया था जो कि अमेरिकी प्रशासक थे नेक्स्ट है 15 अगस्त उन्नीस सौ ईस्वी को जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय गांधी जी कहा थे जो तो कोलकाता में थे ये इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है माय एक्सपेरिमेंट जो कि महात्मा गांधी की आत्मकथा है ये जो है किसने लिखी थी ये महात्मा गांधी ने खुद लिखी थी और इन किस भाषा में ये गुजराती भाषा में इंपॉर्टेंट है कई बार पूछा गया है कि माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो कि महात्मा गांधी का आत्मकथा है वो किन भाषा में है तो आपको बताना है गुजराती भाषा में नेक्स्ट है।, है हिंद स्वराज के लेखक कौन है तो महात्मा गांधी है हिंद स्वराज के लेखक चलिए कुछ और मैंने पॉइंट लिखा है एक है यंग इंडिया पत्रिका दूसरा है नवजीवन पत्रिका और तीसरा हरिजन पत्रिका ये तीनों के जो संपादक है वो कौन है महात्मा गांधी है बात कर लें यंग इंडिया पत्रिका और नवजी नवजीवन पत्रिका इनकी जो स्थापना हुई थी वो 1928 सौ अट्ठाइस में हरिजन पत्रिका 1933 में ठीक है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था तो विस्टन चर्चिल ने कहा था नेक्स्ट है गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे तो इसका राइट आंसर होगा लियो टॉलेस्टा नेक्स्ट है महात्मा गांधी खादी को यानी कि महात्मा गांधी खादी को किसका प्रतीक मानते थे तो आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे महात्मा गांधी खादी को नेक्स्ट है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे देखिए जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल यानी कि भारत का पूछा जाए तब आपको बताना है सी राजगोपालाचार्य नेक्स्ट है भारत के भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ यानी कि भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ किस योजना के तहत हुआ था तो माउंट बेटन योजना के तहत ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था नेक्स्ट है भारत को स्वतंत्रता की यानी कि भारत को स्वतंत्रता किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुई तो, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 15 अगस्त 1947 के तहत में ठीक है इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा ठीक है तो इस तरह से मैंने जो है आपको सभी क्वेश्चन करा दिए उम्मीद है महात्मा गांधी से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराया वो आपको पसंद आई होगी फ्रेंड्स ठीक है अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा साथ ही आप आपको अपना फीडबैक देना है कि आपकी वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स ठीक है ये गांधी जी से मैंने आपको टोटल क्वेश्चंस करा दिया ठीक है और इसके बाद भी कोई चीज़ का और वीडियो आप लोग चाहते हैं तो भेजीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन यानी कि कौन सा वीडियो चाहिए किस टॉपिक पर ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर तब तक जय हिंद जय भारत